जहां से वजीर आजम ने दिखाई लक्षद्वीप की खूबसूरती, सलाम टीवी पर देखिए उस बंगाराम द्वीप की अनदेखी तस्वीरें। समंदर के अंदर जहां पीएम मोदी ने की स्नॉर्कलिंग, वहां पर सलाम टीवी आपको दिखाएगा कैसे करनी है स्कूबा डाइविंग। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में समंदर के अंदर जिस रोमांच का जिक्र किया, आज उसे आप महसूस करेंगे। और लक्षद्वीप को क्यों बताया जा रहा है मालदीव से बेहतर, इसे सीधी तस्वीरों के जरिए समझेंगे। आपके लिए इस खास रिपोर्ट को तैयार करने में हमारी टीम ने सीधा बंगाराम द्वीप पहुंचकर वो कुर्सी देखी जिस पर बैठकर पीएम मोदी ने ऐसी तस्वीरें खिंचवाई कि लक्षद्वीप के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे। हमें बंगाराम द्वीप पर वो किट भी दिखी जिसे पहनकर पीएम ने समंदर के नीचे जाकर स्नॉर्कलिंग की थी। हमें वो ट्रेनर भी मिले जिनकी देखरेख में पीएम ने समंदर के नीचे के रोमांच का फील किया। लेकिन आप इस रोमांच को कैसे महसूस कर सकते हैं, इस रिपोर्ट के एक एक हिस्से को ध्यान से देखिएगा। समंदर के अंदर की दुनिया बेहद रोमांचक और खूबसूरत होती है, लेकिन इसे देखने के लिए समंदर में उतरने वालों को काफी तैयारियां करवाई जाती हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी स्नॉर्कलिंग के लिए अली ने ऐसे ही तैयारी करवाई थी। अली से मिले ट्रेनिंग के बाद हौसला आया और हमारी टीम समंदर के अंदर गई जहां एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। समंदर में रंग बिरंगी मछलियां, कोरल्स और दूसरे समुद्री जीवों को देखना बेहद रोमांचक था। ये एक ऐसी दुनिया थी जिससे वो आज से पहले कभी रूबरू नहीं हुए थे। आप में से जिन्होंने इससे पहले स्कूबा डाइविंग की होगी वो भी इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि लक्षद्वीप जैसा साफ पानी और स्कूबा का रोमांच बहुत कम जगहों पर मिल सकता है। हमारे रिपोर्टर ने लगभग 15 मिनट तक समुद्र के अंदर की दुनिया को देखा। बंगाराम बीच पर पीएम ने स्कूबा डाइविंग की, अंदर मछली देखी, कोरल्स दिखाई दिए। इस जगह जब आप आकर घूमेंगे तो आपको लगेगा आपको फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है और यहीं आकर आप अपना वक्त बिता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।